वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम अनन्या वंदनानंद। तो आज मैं एक रैंडम स्टोरी टाइम वीडियो बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आज लिटरली कुछ ऐसा हुआ कि मैं ये किस्सा रिकॉर्ड करना चाहती थी एंड आप सब लोगों को सुनाना चाहती थी। अभी टाइम कुछ 12 बज चुके हैं रात के, जी हाँ, एंड मैं थोड़ी देर पहले ही अपने फ़ोटोशूट से लौटी हूँ, क्योंकि मैं पार्ट टाइम मॉडलिंग करती हूँ। अभी इतना लेट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं ये किस्सा रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं ये स्टोरी आप सबको सुनाऊँ, एंड ये काफ़ी स्वीट सी स्टोरी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जब भी मैं अपने फ़ोटोशूट से लौटती हूँ, तो अक्सर घर आने के लिए ओला या उबर करती हूँ। एंड जो ओला और उबर मैं करती हूँ, तो मैं ये टाइम का ध्यान रखती हूँ कि मुझे कितनी देर लगने वाली है। तो उसी मीन वाइल मैं अपना जोमेटो का ऑर्डर भी प्लेस कर देती हूँ, क्योंकि मुझे फ़ोटोशूट से आते हुए काफ़ी लेट हो जाता है एंड मैं काफ़ी थक जाती हूँ, तो कुकिंग नहीं कर पाती हूँ। तो उस टाइम पर जोमेटो या स्विगी ही मेरा साथ देता है, एंड मैं अपना ओला या उबर बुक करते ही जोमेटो पे भी ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ अपने खाने का, क्योंकि मुझे घर आते आते ओला या उबर से 20 to 25 minutes लगते हैं, एंड जो मेरा खाने का ऑर्डर है वो भी 20 to 25 minutes से मेरे घर पर आ जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि ओला या उबर करते टाइम मैं जोमेटो पे भी ऑर्डर क्यों प्लेस करती हूँ। ये मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं अपनी बिल्डिंग के 4th floor पर रहती हूँ, वहाँ पर अक्सर लिफ्ट का प्रॉब्लम होता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब जैसे ही मैं घर पहुँचूँ, तो मुझे अपना ऑर्डर भी मिल जाए और मैं अपना खाना लेकर के ऊपर आऊँ, क्योंकि कभी कभी बिल्डिंग में लिफ्ट की प्रॉब्लम होती है। तो मैं नहीं चाहती कि डिलीवरी गाय को परेशानी हो। हाँ जी, मैं इतना ज़्यादा सोचती हूँ लिटरली, क्योंकि मैं 3 साल हो गए मुझे, एंड मैं ये चीज़ हमेशा फॉलो करती आती हूँ कि अगर मैं कभी मेट्रो से भी आती हूँ या ओला उबर से भी आती हूँ, तो मैं अपना खाना प्लेस कर देती हूँ, ताकि जब मैं अपने घर के नीचे बिल्डिंग में पहुँच जाऊँ, तो मैं अपना फूड लेकर के ही ऊपर आऊँ, मैं उन लोगों को परेशानी ना पहुँचाऊँ। तो हमेशा मेरी डिलीवरी गाय से ट्यूनिंग सही बैठ जाती है, मतलब हम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, लेकिन इस बार यानी कि आज कुछ थोड़ा सा अलग हुआ। तो प्लीज़ आपको वो सुनना काफ़ी अच्छा लगेगा, तो ये वीडियो प्लीज़ 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 पूरी देखिएगा। तो आज क्या हुआ कि रोज़ की तरह मैंने अपनी ओला बुक करी, मैंने टाइम देखा कि ड्राइवर को आने में सिर्फ 3 से 4 मिनट रह गए थे एंड मुझे घर जाने में वही 20-25 मिनट्स लग जाते हैं। तो मैंने अपना जोमेटो खोला और उसमें भी अपना खाना ऑर्डर कर दिया था, लेकिन हुआ ये कि मैंने ओला ड्राइवर को जब फ़ोन किया, तो मैंने देखा कि 3 से 4 मिनट उनको आने में था, लेकिन 5 से 7 मिनट टाइम ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने ओला ड्राइवर को फ़ोन किया, बट ही डिड नॉट पिक माय कॉल। तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, मतलब ये हमेशा ही होता था, लेकिन आज मुझे ज़्यादा जल्दी थी क्योंकि मैंने खाना ऑर्डर कर दिया था। तो जब वो मेरे पास 3 से 4 मिनट तक नहीं आए, मतलब उनको आने में 5 से 7 मिनट तक लग गए, फिर मैंने दूर से देखा कि मेरी कैब मेरे पास आ रही है, एंड मैंने अपनी कैब वाले ड्राइवर को वेव भी किया, बट उस गाड़ी में ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए थे, उन लोगों ने मुझे देखा एंड मतलब ओला ड्राइवर ने उनको बता दिया होगा कि यहाँ से मेरा ड्रॉप होने वाला है या जो कुछ भी है। तो ऑलरेडी जो लोग अंदर बैठे थे, उन्होंने मतलब मैंने उनको वेव किया अपने ओला ड्राइवर को, तो ड्राइवर ने तो नहीं देखा, लेकिन जो कैब में लोग थे उन्होंने देखा, एंड फिर कैब आगे जाकर के थोड़ी सी रुकी, तो मैं गई और मैंने ड्राइवर से पूछा कि ड्राइवर मेरा पिकअप है यहाँ से। तो एकदम से उस कैब में एक फैमिली ट्रैवल कर रही थी, ड्राइवर के बगल में एक हस्बैंड बैठे थे, पीछे वाइफ बैठी थी और उनके 2 बच्चे बैठे हुए थे। तो अचानक से वाइफ ने, जो लेडी थी, उन्होंने बोला कि हमें थोड़ा सा ही आगे जाना है, हमें पता है कि हमारा भी ड्रॉप लोकेशन यहीं पर है, बट हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, क्योंकि उस टाइम पर टाइम 10:30 हो रहे थे, हाँ 10:30 बज रहे थे। तो वो उन्होंने बोला कि बच्चे काफ़ी छोटे हैं और यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा ही आगे हमारा घर है, अदरवाइज़ तो हम यहीं रुक जाते, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा थके हुए थे एंड मैंने देखा भी बच्चे बहुत छोटे छोटे से थे और वो काफ़ी थक गए थे। तो मैंने बोला कि इट्स ओके, अगर आपको जाना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई विल वेट ओवर हियर। लेकिन द लेडी टोल्ड कि उस टाइम पे काफ़ी सुनसान हो गया था, मतलब जो लोकेशन था मेरा, तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं उनके साथ बैठ जाऊँ और मैं जब उनको थोड़ा सा ड्रॉप करके वापस इसी लोकेशन पर आकर के अपना पिकअप स्टार्ट कर सकती हूँ। तो मैंने तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैं गाड़ी में अंदर बैठ गई थी एंड फिर हम लोग उनको ड्रॉप करके वापस उसी पिकअप लोकेशन पर आ चुके थे। लेकिन इसी दौरान कम से कम 5 मिनट तो नहीं, लेकिन एग्जैक्ट 10 मिनट तक वेस्ट हो गए थे। एंड जब हम यहाँ पर लौट करके आए पिकअप पॉइंट पे, फिर हमने अपनी कैब राइड शुरू करी।
लेकिन मीनवाइल ये था कि जो मेरा जोमेटो का ऑर्डर था वो 10 मिनट में घर पहुंचने वाला था एंड आई वाज स्टिल एट माय पिकअप पॉइंट जो कि 20-25 मिनट्स दिखा रहा था। तो फिर जब हम वापस लौट करके मेरे पिकअप लोकेशन पर पहुंचे एंड मैंने ड्राइवर को OTP दिया एंड फिर ड्राइवर ने बोला कि मैम आप बहुत कोऑपरेटिव हो, मैंने पहले ऐसा कोई कस्टमर नहीं देखा जो इतना कोऑपरेटिव है एंड आप गाड़ी में भी बैठ गए एंड मुझे नहीं लग रहा था कि आप गाड़ी में बैठेंगे एंड उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। तो मैंने उनसे बोला भैया मैं भी ऐसे नहीं बैठती, लेकिन वो एक फैमिली थी तो आई फेल्ट सेफ एंड उसमें छोटे छोटे बच्चे थे एंड पेरेंट्स वर ऑल्सो वरीड, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बैठने में। अगर जेंट्स होते बॉयज़ होते तो आई मस्ट हैव थॉट अबाउट इट। एंड फिर मैंने भी उनको बोला कि ड्राइवर अंकल कल को मेरी भी फैमिली होगी, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे होंगे तो कोई मेरी भी हेल्प कर देगा फ्यूचर में ऐसे ही मेरे को। फिर मैंने उनको बताया कि भैया मेरा जोमेटो वाला जो ऑर्डर है वो 10 मिनट में मेरे घर पहुंचने वाला है, मुझे सिर्फ उसकी चिंता है, मुझे किसी की हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट वॉज लाइक माई जोमेटो ऑर्डर इज कमिंग और मैं बहुत लेट हो रही हूँ। तो आई एम रियली ही कोऑपरेटेड विद मी सो वेल, उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे से OTP लेने के बाद जो गाड़ी चलाई है ना, लिटरली उनकी एज मेरे पापा जितनी ही होगी एंड ही वॉज सच अ वंडरफुल ड्राइवर। उन्होंने इतनी अच्छे से, इतनी तेज़, मतलब तेज़ भी चलाई एंड काफ़ी अच्छे से चलाई, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि गाड़ी भगती हुई जा रही है, ही मतलब बहुत अच्छे से ड्राइव किया एंड हम काफ़ी जल्दी मतलब पहुँचने ही वाले थे। इतने में लेकिन डिलीवरी गाय का फ़ोन आया एंड उसने बोला कि मैम मैं लोकेशन पे हूँ, आप कहाँ पर हो? तो मैंने बोला भैया मैं सिर्फ 10 मिनट में आ रही हूँ, आप प्लीज़ वेट करिएगा। तो दैट जोमेटो का एकदम से थोड़ा सा हड़बड़ा गया और बोला कि मैम मेरे दो और ऑर्डर्स हैं एंड मुझे जाना है, वो भी वेट कर रहे हैं खाने का, उनका भी पहले फ़ोन आ चुका है। तो मैंने बोला कि भैया प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ आपके पास। फिर हुआ ये कि मैं जब गाड़ी में बैठी थी तो मुझे एकदम से हंसी आ गई एंड द ड्राइवर वॉज ऑल्सो लुकिंग एट मी। मैंने बस हंसते हंसते इतना कहा कि किसी की हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं बस इतना सोच रही थी कि एक फैमिली की हेल्प करने के लिए मतलब मैं लेट हो गई, मेरी वजह से जोमेटो वाले डिलीवरी गाय लेट हो रहा है, फिर वो खाना जिनके पास पहुंचना है भी वो भी लेट हो रहे हैं। तो आई जस्ट थॉट कि ये चेन होती है, यू नो हम में से कोई दूसरे को नहीं जानता, बट यू नो दैट इज अ चेन जो एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक की वजह से सब लेट होते चले जा रहे थे। फिर मैं ओला से अपने बिल्डिंग के नीचे पहुंची और मैं उस डिलीवरी गाय से मिली एंड मैंने उनको फटाफट से पेमेंट किया, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें पेमेंट किया उनके पास को नोटिफिकेशन आई कि ये ऑर्डर कैंसिल हो गया है एंड आई वॉज लाइक डिलीवरी गाय ने तुरंत बोला कि मैडम आई एम सॉरी आपका ये ऑर्डर कैंसिल हो गया है, मुझे ये खाना वापस ले जाना पड़ेगा। मैंने बोला भैया नहीं प्लीज़ ये मत करो किसी भी कीमत पर एंड प्लीज़ 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 भैया मुझे लिटरली खाना चाहिए, अब रात के 11:30 बज रहे हैं, मैं फिर से रीऑर्डर करूँगी और फिर बहुत टाइम लग जाएगा, भैया प्लीज़ ऐसे मत होने दो। तो एंड ही वॉज गेटिंग सो लेट एंड स्टिल ही ट्राइड टू हेल्प मी। फिर उन्होंने कम्युनिकेट किया मतलब रेस्टोरेंट ओनर से, उनसे कुछ बात करी, अब ये तो मुझे नहीं पता कि उनकी क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। फिर रेस्टोरेंट ओनर ने मेरे से कॉल पे बात की कि मैडम आपको ये खाना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने बोला भैया मुझे खाना चाहिए, ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो गया, मुझे नहीं समझ में आया ऐसे क्यों कैंसिल हुआ, लेकिन मुझे ये खाना चाहिए भैया, मैं तो पैसे भी पूरे दे रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने रेस्टोरेंट ओनर ने फिर डिलीवरी बॉय से कुछ बात करी, मुझे समझ नहीं आया, कुछ OTP के रिगार्डिंग बात हो रही थी एंड ही वॉज गेटिंग सो लेट। उसने बोला भी था, उसने रेस्टोरेंट वालों से भी बोला, मेरे सामने भी उस बंदे के पास फ़ोन आ रहा था, वो बहुत घबरा रहा था कि मतलब वो लेट होता जा रहा था। फिर मैंने उसको कैसे कैसे करके बोला कि भैया प्लीज़ आप ये खाना मुझे दे दो, आपके पास OTP आ जाएगा, मैं आपको पूरे पैसे दे रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो काफ़ी हद तक वो बंदा शांत हुआ, फिर के चला गया। उसकी बातों से साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो भी रिसेंटली जोमेटो केस हुआ है या जो भी कुछ है उसके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे। ही वॉज पैनिकिंग, लाइक सीरियसली ही वॉज पैनिकिंग कि उसको मुझे ऑर्डर देना है, पता नहीं मैं कब आऊँगी एंड देन ही हैव टू गो टू टू मोर प्लेसेस जहाँ से उसके पास फ़ोन भी आ रहे थे, तो ही वॉज पैनिकिंग। बिग थैंक्स टू जोमेटो डिलीवरी गाय, मतलब उसमें इतना बंदे में पेशेंस था, उसने काफ़ी अच्छे से मतलब कोई कंप्लेन नहीं करी, अगर वो चाहता तो मेरे खिलाफ भी कंप्लेन कर सकता था कि मैं तो टाइम पर आ गया पर कस्टमर नहीं आया, बट ही ऑल्सो हैड पेशेंस, इवन आई वॉज ऑल्सो हैविंग सो मच ऑफ पेशेंस। रेदर देन गुस्सा हो करके, इरीटेट हो करके, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल करके हमें कुछ नहीं मिलेगा,
हम ये नहीं सोचते हैं कि सिर्फ हम ही परेशान नहीं है अपनी प्रेजेंट लाइफ से, और भी लोग हैं, उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ है। जरूरी नहीं है कि हर कोई अपनी लाइफ से, अपने जॉब से हैप्पी है, तो हमें अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना एंगर, अपना इरिटेशन प्लीज कंट्रोल करके रखना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक इट। एक छोटी सी स्टोरी टाइम थी, मैं बस यही एक लेसन शेयर करना चाहती थी। ऑलवेज बी देयर टू हेल्प पीपल विद ओपन हार्ट एंड इट विल कम बैक टू यू। Thank you for watching.